हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड बहुत ही कम ऐसी मूवीज बनाता है जो रियलिटी और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती हैं, और स्पोर्ट्स के नाम पर तो हमें गिनी चुनी मूवीज ही देखने को मिलती हैं। लेकिन इन्हीं गिनी चुनी मूवीज को ऑडियंस का बेहद प्यार मिलता है, क्योंकि हमारे लिए स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट नहीं, इट्स एन इमोशन। इसी चीज का ख्याल डायरेक्टर को काफी बारीकी से रखना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसी टॉप स्पोर्ट्स फिल्म्स के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया बल्कि ऑडियंस के दिलों को जीता भी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, जो जीता वही सिकंदर। 1992 में आई इस मूवी को एक आइकॉनिक मूवी कहा जाता है। मूवी में साइकिलिंग स्पोर्ट्स को दिखाया गया था, जो उस समय एक रेयर टॉपिक था। मूवी की कहानी दो भाइयों की होती है जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। रतन एज एन एथलीट कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर साइकिलिंग रेस जीतना चाहता है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। मूवी में एक नेगेटिव कैरेक्टर भी होता है जिसका रोल दीपक तिजोरी ने निभाया था। साइकिल रेस जीतने के लिए रतन की जगह उनका भाई संजय यानी आमिर खान कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। मूवी की कहानी एक ऐसे लड़की की जर्नी दिखाती है जो साइकिल रेस में पार्ट लेने की वजह से टोटली चेंज हो जाता है। मूवी के साउंड ट्रैक को आज भी पसंद किया जाता है, जिसमें पहला नशा एक आइकॉनिक सॉन्ग है। नंबर 9, लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया। 2001 में आई इस मूवी को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किया गया था। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एपिक मूवीज में से एक है ये मूवी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जहां गांव के लोगों को क्रिकेट खेलने की जानकारी ना होने के बावजूद भी वो इस खेल को खेलते हैं और अंग्रेजों की टीम को हरा कर अपना लगान माफ करवा लेते हैं। इस मूवी में लीड कैरेक्टर्स में आमिर खान और ग्रेसी सिंह नजर आए थे। मूवी को भुज के आसपास के गांव में शूट किया गया था। ये मूवी 3 घंटे और 45 मिनट की थी, लेकिन इसके बावजूद आप इसके हर सीन में कनेक्टेड फील करते हैं। मूवी के कैरेक्टर्स आज भी लोगों को याद हैं, फिर चाहे कचरा हो या भुवन। इन सभी ने अपने कैरेक्टर्स को इतनी शिद्दत से निभाया था कि ये आज भी याद किए जाते हैं। मूवी में ड्रामा, इमोशन, स्पोर्ट्स और रोमांस सभी कुछ देखने को मिलता है। नंबर 8, इकबाल। 2005 में आई इस मूवी में एक ऐसे लड़की की स्टोरी को दिखाया गया था जो बचपन से ही ना ही बोल और ना ही सुन पाता है, लेकिन उसके सर पर क्रिकेट बनने का भूत सवार होता है, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। मूवी में बहुत से ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जहां आप इकबाल से कनेक्ट कर पाते हैं। श्रेयस तलपाड़े ने इस मूवी से बॉलीवुड में कदम रखा था, एंड इट वॉज अ गुड चॉइस एज एन एक्टर। मूवी में नसीरुद्दीन शाह का किरदार भी दिल को छू जाता है। मूवी को बनाने में 2 करोड़ का खर्चा आया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करी थी। नंबर 7, चक दे इंडिया। शिमित अमीन डायरेक्टेड इस मूवी में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की जर्नी को दिखाया गया था, जो कि 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में मिली जीत से इंस्पायर्ड थी। मूवी में लीड कैरेक्टर में अपने किंग खान नजर आए थे। मूवी में हॉकी के बेसिक्स को भी दिखाया गया था, जिससे कि ऑडियंस को मूवी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मूवी का चक दे इंडिया आज भी सुनने को मिलता है, और कबीर खान की स्पीच भला कोई कैसे भूल सकता है। मूवी ने कई अवार्ड्स जीते थे, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट भी शामिल है। मूवी में इंडियन टीम के ऑपोजिट टीम्स को भी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन टीम्स ही दिखाया जाता है। नंबर 6, पान सिंह तोमर। इस मूवी को तिग्मांशु धुलिया ने डायरेक्ट किया था। मूवी की कहानी एक ऐसे आर्मी सोल्जर की कहानी थी जिसमें एथलीट बनने की क्वालिटीज थी। उसे रेस ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। इसके बाद पान सिंह एक के बाद एक मेडल्स जीत कर लाता है। मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि किस तरह लाइफ के सर्कमस्टेंसेस पान सिंह को एक बदमाश बना देते हैं। मूवी रियल लाइफ स्टोरी है, जिसमें पान सिंह के किरदार को इरफान खान ने एक उम्दा परफॉर्मेंस देकर हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला था। नंबर 5, काई पोचे, ब्रदर्स फॉर लाइफ। ये मूवी एक पॉलिटिकल एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड थी। इसे अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था। मूवी की कहानी चेतन भगत की नॉवल 3 Mistakes of My Life पर बेस्ड थी, जिसमें हम क्रिकेट, रोमांस, एक्शन और ड्रामा सभी कुछ देखते हैं।
मूवी में सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव और अमित साध की एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया था। मूवी का साउंडट्रैक भी काफी हिट रहा था। मूवी के कुछ सीन्स ऐसे थे जहां ऑडियंस मूवी के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाती है। मूवी को 6 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से 2 अवार्ड्स इस मूवी ने अपने नाम किए थे। नंबर 4, भाग मिल्खा भाग। 2013 में आई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर जो धूम मचाई थी उससे हम सभी वाकिफ हैं। मिल्खा सिंह जी के रियल लाइफ इवेंट्स पर बनी इस मूवी ने स्पोर्ट्स बायोपिक के ट्रेंड को स्टार्ट किया था। हालांकि मूवी में कुछ इंसिडेंट्स फिक्शन बेस्ड भी थे, जिससे मूवी ऑडियंस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सके। इस मूवी में मिल्खा सिंह का किरदार फरहान अख्तर ने निभाया था और उन्हें इस रोल में देखने के बाद ऐसा लगा मानो उनसे बेहतर इस किरदार को कोई और एक्टर निभा ही नहीं सकता था। जिस तरह से उन्होंने एक एथलीट की परफॉर्मेंस को पर्दे पर दिखाया था वो वाकई अप्रिशिएट करने लायक था। इसी वजह से इस मूवी को दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया था। मूवी की स्टोरी के साथ साथ मूवी के साउंडट्रैक को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। नंबर 3, मेरी कॉम। मेरी कॉम एक ऐसी बॉक्सर रही हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए बने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़कर ये साबित कर दिया था कि लड़कियां किसी से कम नहीं। उन्हीं की लाइफ पर बनी थी ये मूवी, जिसमें मेरी कॉम के किरदार को पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। पीसी ने इस रोल के लिए जितनी भी मेहनत करी थी वो साफ साफ पर्दे पर ऑडियंस को देखने को मिलती है। उनके एक एक पंच को देखकर लग रहा था कि प्रियंका चोपड़ा खुद एक बॉक्सर हैं। मूवी में मेरी कॉम के बॉक्सर बनने की डिफिकल्टीज को काफी इम्प्रेसिव तरीके से दिखाया जाता है। इस मूवी को भी बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था और इस मूवी ने कई अवार्ड भी जीते थे। नंबर 2, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। 2016 में आई इस मूवी को भला कौन नहीं जानता। ये वही मूवी थी जिसे देखने के लिए MS धोनी के फैंस थिएटर्स में पहुंचे थे, लेकिन वापस लौटे तो सब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बनकर। जी हाँ, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर जो झंडे गाड़े थे उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मूवी का स्क्रीन प्ले, साउंड ट्रैक, सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग और उनका क्रिकेट ग्राउंड पर परफॉर्मेंस, ऑल वर टू गुड। इस मूवी ने ऑडियंस को सुशांत का फैन बना दिया था। एज वी ऑल नो, MS धोनी इज नॉट जस्ट अ नेम, ही इज एन इमोशन फॉर मेनी पीपल। धोनी के लुक से लेकर उनके वॉकिंग स्टाइल तक सभी को सुशांत सिंह राजपूत ने कॉपी कर लिया था। इस मूवी से न जाने कितने ही लोगों को उनका सपना पूरा करने की हिम्मत मिली होगी। नंबर 1, दंगल। 2016 में आई इस मूवी को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था, जिसमें दिखाया जाता है कि महावीर सिंह फोगाट, जो खुद एक रेसलर रह चुके हैं, किस तरह से अपनी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट को रेसलिंग चैंपियन बनाते हैं और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं। हरियाणा जैसे स्टेट में जहां लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है, ऐसे माहौल में किस तरह से महावीर सिंह फोगाट अपनी बेटियों को दंगल लड़ना सिखाते हैं, ये देखने लायक था। मूवी में आमिर खान के साथ फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलती हैं। मूवी में इमोशन, सस्पेंस और ड्रामा सब देखने को मिलता है। एथलीट बनने की जर्नी और एक फादर के इमोशंस को डायरेक्टर ने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी ने ओवरऑल 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। ये बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की टॉप 10 स्पोर्ट्स फिल्म्स जिन्होंने स्पोर्ट्स बायोपिक्स को एक ब्लॉकबस्टर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और इनमें से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।